कैट 23 में हमको 100% लाना है हमको बीआरसी में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा है नहीं है, मेरे को एफएमएस जाना है। 40% उसका क्राइटेरिया है बीआरसी का, तो स्केल स्कोर का। तो कैसे हम करेंगे, कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसलिए मैं बताता हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। और मेरा वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्ट्रीम को लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तभी जाकर मैं बताऊंगा आज इसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बात यह है कि जो मेरे को कैट 23 में 100% बीआरसी में कैसे लाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ जैसा जे अगर आपके पास इतना सॉल्यूशन हो और नहीं हो, क्योंकि देखो बीआरसी एक तो वर्नाकुलर सब्जेक्ट है, दैट इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। यहाँ पर क्वांट का, मैथमेटिक्स का ट्रिक्स नहीं आएगा, नो फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। सिर्फ क्या है ना, आपको पढ़ना चाहिए जी, इंग्लिश जो है मेरे को पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए डेली, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, स्टेट्समैन पढ़िए, उसके बाद रिपोर्ट्स पढ़िए, उसके बाद कोई कोई ऑफिस का जो आपको बहुत सारा जगह का आपको रिपोर्ट्स मिलता है उसको पढ़िए, आपको बिल्कुल आपको फाइनल हो पाएगा। मतलब क्या है ना, दिमाग में घुस जाएगा कैसे कैसे लिखा रहता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योनेसे, योनेसे को बिल्कुल रीड कीजिए। योनेसे आपको नेट में मिलता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरा पुराना जो वीडियो है उसमें देख सकता है। योनेसे MBA 2Z क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिएगा कि जो बहुत सारा योनेसे आपको कॉमन आ रहा है, उसमें क्या है ना, 200-250 योनेसे पढ़ना है आपको, बिल्कुल कॉमन आएगा योनेसे। उस टाइम देखिएगा आपको कैट एग्जाम में जाके, क्योंकि बीआरसी में पहले जो स्लॉट आता है ना वो पहला बीआरसी रहता है, स्लॉट हो और जो हो, लेकिन आपको पहला सेक्शनल बीआरसी रहेगा। तो आपका ना आरसी में, आपको 4 आरसी में कम से कम आप 2.5 आरसी नहीं कर पाएगा ना, आपका नहीं हो पाएगा। आपका जो पीछे वाला जो 8 क्वेश्चन रहता है आपको पैराजम्बल पैरासमल या नॉटमैन आउट, उससे लेके आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वोकैबुलरी अच्छा से पढ़िए, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है, 2 महीना अभी वोकैबुलरी को बढ़िया से पढ़िए। आरसी पढ़ने का कोशिश कीजिए, आरसी रीड करने का एंड उसको फाइनल करने का कोशिश कीजिए। दिस इज आरसी एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आरसी। यू कैन सी दैट इफ यू गिव आंसर इज लाइक दैट इन कैट एग्जामिनेशन इन आरसी, दैट यू कैन सी वंस एट अ टाइम एंड क्लिक एंड आंसर, क्लिक एंड आंसर, क्लिक एंड आंसर, यू विल गेट एवरीथिंग। सो दिस इज द थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्या है ना, आपके पास ये दिमाग होना चाहिए जे मेरे को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक नहीं करने से क्या होगा ना, गलती होते रहेगा, आपको रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर रॉन्ग आंसर करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन काम तो नहीं आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिए, ठीक करने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए, उसी दिन मॉक का एनालिसिस कीजिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मॉक का रिविजन कीजिए, तब जाकर आपको फाइनल में हो पाएगा। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी एंड मैं ऐसा वीडियो लेकर आपके पास आते रहूँगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन एंड प्लीज गो अहेड विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।